और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, जहां खबर तो ये मिल रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन बैकबोन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जानकारी ये है कि इसी के तहत बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पर आत्मघाती हमला कराया गया था और इस हमले का ताजा वीडियो भी सामने आ चुका है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आत्मघाती हमलावर का मकसद सिराजुल हक को मारना नहीं बल्कि उसे डराना धमकाना है। तीन दिन पहले बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार और खुफिया एजेंसी ISI ने प्रचार किया कि यह हमला आतंकवादियों ने किया था और इसका मकसद अमीर को नुकसान पहुंचाना था। और इस वक्त हमारे सहयोगी OP तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। OP, हम दर्शकों की सहूलियत के लिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन ISI की पूरी प्लानिंग क्या है ये जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिराजुल हक की जो गाड़ी है आत्मघाती हमलावर उससे काफी दूर पर है। उसका मकसद सिराजुल हक को मारना नहीं था। आज तक जितने भी आत्मघाती हमले हुए हैं उसमें किसी न किसी शख्स की मौत जरूर हुई है, क्योंकि आत्मघाती हमलावर को ये कहकर भेजा जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके वो करेगा। लेकिन इस आत्मघाती हमले में किसी एक शख्स की मौत नहीं हुई, जिसके चलते माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सारे पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसका मकसद सिराजुल दीन को केवल डराना धमकाना था जिससे वो इमरान खान का साथ छोड़ दे। बीते दो दिनों के दौरान इमरान खान के करीबियों को धमकाया गया है और उनके छह लोगों से ज्यादा उनके जो करीबी साथी थे वो धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन बैकबोन चलाया और ऑपरेशन बैकबोन का मकसद इमरान खान को तोड़ना है जिससे वो सरकार के सामने सरेंडर कर दे। बिल्कुल, यानी कि कोशिश यही है कि जितने भी करीबी है इमरान खान के उन्हें डराया धमकाया जाए ताकि उनका साथ छोड़ दे। शुक्रिया OP तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अमृतसर में गैंगस्टर जर्नैल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार नकाबपोशों ने फायरिंग की है और बदमाश कार में सवार होकर आए थे। हत्या करने के बाद चारों बदमाश मौके से फरार हो चुके हैं। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। गांव सिठियाला में गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप से जुड़े बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चमन परानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए, कब और कैसे हुआ ये? जी देखिए, आज सुबह की ये बात है और सुबह लगभग अमृतसर में जो है वो चार नकाबपोश जो है वो मुंह पे जो है कपड़ा बांधकर जो है वो एक गैंगस्टर है जर्नैल सिंह उसके घर पर पहुंचते हैं और उन्होंने लगभग जो है 20 राउंड के करीब जो है वहां पर फायरिंग की और मौके पर ही जो है वो जर्नैल सिंह जो था वो जो है मृतक पाया गया और उसके बाद उसके जो दो और लोग थे घर पर वो भी जो है इंजर्ड हुए हैं इस सारे घटना में। और उसकी एक CCTV भी अब सामने आई है और उस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गैंगस्टर थे वो जो है वो